सामान लेके हो गया, फटाफट जाते हैं घर। गर्मी ने मार दिया है, आप देख सकते हो हालत हो रहा है कितना खराब, और चलते हैं घर पे। आज कैसे चल रहा है 32,000 केसेस पर डे। जब 1,000 केस था तब भी हम नहीं सुधरे थे, आज 32,000 चल रहे हैं फिर भी हम लोग नहीं सुधरे, पता नहीं और कितने ऐसे चलेंगे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, मैं बात कर रहा था कोरोना की। आज का जो लेटेस्ट न्यूज मैंने सुबह देखा तो अप्रॉक्सीमेटली जो है 32,000 जो है केसेस आज क्रॉस हुए, 600 समथिंग लोगों के मारे गए, प्लस नए नए रिकॉर्ड तो ये कर ही रहा है। उसके अलावा 9 लाख जो है वो इंडिया ने क्रॉस कर लिया है। अभी भी वक्त पब्लिक जो आम आदमी जो बेवजह बाहर निकलती है घूमती है बिना मास्क के, काफ़ी प्रोटोकॉल ब्रेक कर लिए ना, सुधर जाओ नहीं तो आगे जो है सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। इतने गर्मी में बाहर जाना, बाप रे, दिमाग ख़राब हो जाता है। और उससे बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है मास्क वगैरह पहनना। क्या करें, प्रिकॉशन रखना है तो पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम में पड़ जाओ। तो चलो चलते हैं बाहर, सामान लेकर आते हैं अपना। सतर्क रहे कि लोग जो पेट्रोल वगैरह भर रहे हैं, तो फिलहाल चलो चलते हैं सामान वगैरह लेके निकलते हैं। पेट्रोल तो हम लोगों ने भर लिया, तो सोचा कि लगे हाथों स्कूटी का जो है एयरपोर्ट कर दिया, एयर वगैरह भरा लेते हैं। काका, ओ काका हमारो, तो जो हवा हम लोग भरा लेते हैं क्योंकि टायर का जो प्रेशर है हमें जो है मेंटेन रखना चाहिए और हम भी जो है मेंटेन रखेंगे। तो जो सर हवा भरा लेते हैं, देखते कि और हमारा जो कितना सारा काम है निपटा के हम चलते हैं घर। लिख लो, मैं सामान बोलता हूँ। वो छोटा छोटा सामान ही है, हाथों हाथ आ जाएगा। मिल्क पाउडर है, मैं बोलता हूँ भाई जी, नहीं समझ में आएगा। एक 200 ग्राम का मिल्क पाउडर अमूल्य, दो लूज और दे देना। उधर वो छतरी रखा हुआ है भैया जी, उसको लगा देना चाहिए ना, अभी तो यूज होता है उसका, है ना, पड़ा पड़ा उधर जंग लग जाएगा फिर उसको। नहीं, नहीं, वो लगता है।
वीडियो कर रहे हैं क्या? हाँ, अरे तुम देखते नहीं हो, तुम्हारा वीडियो डाला था उस दिन। फिलहाल चाचा जी और भैया जी बिजी है हमारे सामान बनाने में, और यूजली पहले ऐसे होता था जब स्कूटी नहीं था ना तो हम चल के आया करते थे वहाँ से यहाँ तक, काइंड ऑफ एक्सरसाइज हुआ था, पर जब से स्कूटी आ गया ना तो चलने का जो एकदम बंद हो गया। तो फिलहाल हमने अभी शुरू किया है वर्कआउट करना घर में, हम जैसे वर्कआउट कर रहे हैं, डंबल्स वगैरह हमने लाया है उसे हम बताएंगे। तो ये जो चीज़ है, ऐसे गाड़ी आने पर नहीं एक्सरसाइज करना या नहीं वॉक करना, ये किस किस में, अगर आप लोगों में भी अगर वो चीज़ होगा कमेंट करके जो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे से आलसी कितने हैं दुनिया में। तो हमारे बोलने पर भैया जी ने निकाल दिया है अपना छाता ताकि हम गर्मी और बारिश से बच सके। तो सामान लेके हो गया, फटाफट जाते हैं घर, गर्मी ने मार दिया है, आप देख सकते हैं हालत हो रहा कितना खराब, और चलते हैं घर पे फिर बातें करते हैं। मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में ना, मैक्सिमम वीडियोस में मैं कहता हूँ कि यहाँ के मौसम का ना कोई भरोसा नहीं है, और ये है उसका प्योर एग्जांपल। आप देख सकते हो बारिश जो है वो गिर रहा है, ये देखिए बारिश गिर रहा है। कुछ देर पहले जो है हम जब शॉपिंग करने बाहर गए थे, गर्मी से हम इतना कर्रा रहे थे, इतना पसीना निकल रहा था, और अब जो है क्लाइमेट टोटली चेंज। ये जो क्लाइमेट है ना, यही रीज़न है ना लोगों का यहाँ पर तबीयत खराब होने का। दो दिनों पहले ही ना मेरा जो वाईफाई का जो रिचार्ज है वो ख़त्म हो चुका था जियो का, तो मैंने रिचार्ज करवाया, नेटवर्क का इतना इश्यूज आ रहा है, जब से मैंने वो रिचार्ज करवाया है इश्यूज इतना आ रहा है ना, कंटिन्यूसली जो है बफरिंग हो ही जा रहा है। जहाँ पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, कोई भी इंटरनेट का प्रोसेस मैं करने जा रहा हूँ इतना टाइम ले रहा है। मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ का प्रॉब्लम है, राउटर का प्रॉब्लम है या वेदर कंडीशन की वजह से ये हो रहा है। और यहाँ पर भी जो उतना बारिश नहीं गिर रहा है, खाली ओवरकास्ट वेदर कभी कभी हो रहा है, तो मैं नहीं श्योर हूँ कि ये किस चीज़ का प्रॉब्लम है। तो कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि वाकई में ये कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है या फिर कोई जियो का नया चाल है जहाँ पर लोग जो है इंटरनेट कम यूज़ करें, क्योंकि अगर ज़्यादा बफरिंग होता रहेगा तो बंदा ऐसे यूज़ नहीं कर पाएगा, और जो इनका जो इंटरनेट बच जाए और हम जैसे ग्राहक जो है वो उल्लू बन जाए। चीज़ों के दाम जो है मार्केट में इतने बढ़ गए ना, जहाँ पर टमाटो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 90 से 100 रुपए किलो बिक रहा है, सब्जियों के दाम भी एकदम आसमान छू रहे। पता नहीं क्या रीज़न है, काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। हम भी आज बाहर गए थे, थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह किया, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, प्लस मास्क वास्क लगा के, जितने भी प्रिकॉशंस लेने थे हम सब लेके अपना जो शॉपिंग वगैरह करके हम घर पे आ गए। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक का जो बटन है वो जरूर दबा दीजिए, प्लस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए हो तो एक रेड कलर सब्सक्राइब बटन नीचे उसे दबा दीजिए, उसके पास में एक बेल आइकन उसे बिना भूले बजा दीजिए, ताकि हम जब भी अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती है। सो ऑन दैट नोट, इस वीडियो को मैं यही पर समाप्त करता हूँ। एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक केयर। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज ट्रेंडसेटर रणबीर, और कीप सपोर्टिंग गाइस। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।